जनपद पंचायत में अधिकारियों की सह पर फल फूल रहा भ्रष्टाचार। भांडर जनपद पंचायत में वरिष्ठ अधिकारियों की सह पर फल फूल रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का रोल मॉडल बनी ग्राम पंचायत सरसई। ग्राम सरसई में अपात्रों को मिल गया प्रधानमंत्री आवास, शौचालय बन गया बीपीएल और मजदूरी कार्ड, लेकिन आदिवासी और सहारिया परिवार शासकीय योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल, शौचालय, मनरेगा सहित सभी योजनाओं से वंचित रह गया, जिस पर ग्राम अधिकारियों सहित जनपद पंचायत अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। दर्जनों शिकायत होने के बाद भी जनपद पंचायत अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहे, मानो जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हों। 22 सितंबर को जब जिला कलेक्टर संजय कुमार ने ग्राम का दौरा किया तो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 घंटे में इन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो किसी भी गरीब परिवार के दरवाजे पर अभी तक कोई अधिकारी दस्तक देने नहीं पहुँचा और गरीब योजनाओं से वंचित हैं। कलेक्टर को देखकर रो पड़ी थी गरीब आदिवासी महिला, कहाँ गांव में मांग कर खाते हैं और जीवन जी रहे हैं। ग्राम पंचायत सरसई सहित जनपद पंचायत भांडर की सभी पंचायतों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी लिखित शिकायत समाजसेवी बाली कुशवाहा कर चुके हैं और जिला कलेक्ट्रेट जाकर धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत करा चुके हैं और उन्हें चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर, आपका नाम? बाली कुशवाहा। जी सर, बताइए। ग्राम सरसी में बरसों से भ्रष्टाचार फैला हुआ था जी। पहली बार मैंने 10 दिसंबर 2019 को ग्राम सरसई के व्यापक भ्रष्टाचार में जो शौचालय और आवास थे उनकी शिकायत की थी। उसके बाद 28 जनवरी को फिर समस्त ग्रामीणों के साथ मैंने कलेक्टर को आवेदन दिया था। मेरे आवेदन पर कलेक्टर ने अशोक चौहान जी को और समस्त भांडे स्टाफ को सरसई भेजा और विभिन्न प्रकार के सभी लोगों के घर घर जाके उन्होंने दौरा किया, लेकिन उस दौरे का कोई अर्थ नहीं निकला। अशोक चौहान जी का दौरा एक चुनावी रैली की तरह सिद्ध हुआ, उसका 1% फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरा जो संगठन है हिंद समाज सुधार फाउंडेशन और मैं लगातार सरसई और समस्त भांडर के ग्रामों के साथ कार्य करते रहे, विभिन्न प्रकार के ज्ञापन दिए हैं। इसी के तहत परसों कलेक्टर साहब ने सरसई आके और समस्त ग्राम की फिर जायजा लिया जी। सेक्रेटरी सचिव को डाटा और ये कहा कि अब ग्राम सरसई में प्राथमिकता के साथ सभी के कार्य होंगे। इसी महीने की 14 तारीख को SDM साहब को 15 पेज का ज्ञापन दिया था, जिसमें सरसई की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख था, जैसे मनरेगा के तहत गरीबों के मजदूरी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं जी, BPL कार्ड गरीबों के नहीं बनाए जा रहे हैं, तहसीलदार तक ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है, जो वास्तव में गरीब हैं उनके कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं बल्कि अपात्रों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शौचालय हैं, कम से कम 150 ऐसे शौचालय हैं जो सरकारी पोर्टल पर दर्ज हैं, लेकिन गरीबों के अभी तक शौचालय नहीं बने हैं, वो भी लिस्ट मैंने सौंपी है। आवास में बड़े स्तर पर राशि खाई गई है, पात्रों के आवास नहीं बने हैं, यहाँ तक कि कल्लू जोशी की स्थिति को अशोक चौहान ने भी देखा था, आज कलेक्टर साहब ने भी देखा है, अभी तक उसका आवास नहीं बना है। कल्लू जोशी जैसे लोग आज भी कई सरसई में हैं जो उजागर नहीं हो पाए हैं और जो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। कलेक्टर के सामने कल्लू जोशी ने परसों पूरी बात रखी है, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि इनका तुरंत आवास बनाया जाए। इसी के साथ साथ आदिवासियों की समस्या बेहद कठिन है, उनके एक भी शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। SDM साहब ने दौरा किया था 28 जनवरी को आवेदन के तहत, लेकिन आज भी आदिवासियों की समस्याओं में कोई सुधार नहीं है। तो कल कलेक्टर साहब ने कहा है कि समस्त जो ग्रामीण की समस्या है प्राथमिकता के साथ समस्याओं को हल किया जाएगा। ज्ञापन में जो आप सारी आपने मांगी हैं, क्या लगता है वो कब तक पूरी हो पाएंगी? मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी, गांव का माहौल काफ़ी सुधार। और यदि 6 महीने पहले भी आपने आवेदन दिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? आगे नहीं हुआ तो मैं समस्त ग्राम और समस्त ग्राम पंचायत के विभिन्न गांव में, जिस तरह से मेरा हिंद समाज सुधार फाउंडेशन चल रहा है, मेरे लोग हैं, तो इनको लेके मैं मुख्यमंत्री कार्यालय जाऊंगा, जबलपुर हाईकोर्ट भी जाऊंगा, आर्थिक अपराध शाखा भी जाऊंगा और कलेक्ट्रेट के सामने पूरे समस्त जिले के साथ जंगी प्रदर्शन करूंगा। इस तरह की मेरी रणनीति है आगे। अच्छा जी, आपकी क्या क्या समस्या है? मकान बन जाओ ना जी, मकान नहीं बने हैं जी, तपन्या डाल रहे हैं, इनमें रह रहे हैं हम लोग।
आपने कहाँ कहाँ शिकायत कर दी, कार्रवाई करवाई भाई? दतिया ही गए थे कलम टर्नओवर। कितने समय पहले गए थे? कितने समय पहले गए थे? ज़्यादा जेठ मासन गए थे। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ? हाँ, कल लाए थे कलेक्टर, क्या क्या गया है? यहाँ आया ही नहीं है कल। कौन कौन अधिकारी आए थे? अब भाई कलेक्टर। क्या क्या समस्या थी आपकी? का समस्या थी? समस्या का का परेशानी थी आपके घर? घर गिर पड़े, कोई सुना जी नहीं है। ना सरपंच सुन रहा है, ना सेक्रेटरी सुन रहा है, ना लेटरिंग अभी घर जा रहा है। हम तो क्या बोल के गा कलेक्टर जी? तो कहते काम हो जाएगा, कल से काम लगाएंगे आपकी।